हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं, उसी प्रकार से आज एक बार फिर वापस आ गया हूं। मैं हमेशा आपको ईवीएस पढ़ाता हूं, तो वापस बेटा ईवीएस पढ़ाने के लिए आ गया हूं। पिछले 1 वीक में मेरी क्लास नहीं हुई थी, आप सबको पता है, नहीं हुई थी ना। उसके लिए बेटा कुछ कारण था, कुछ जरूरी काम था, इस कारण से आपकी क्लास नहीं ले पाया था। उसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूं। अब आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होने वाली है डेली। अब आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक, अब आपको डेली मंडे टू सैटरडे आपको सभी क्लासें मिलेगी। अब कोई भी ऐसी लीव नहीं आएगी आपकी इतनी लंबी, ठीक है ना। कुछ परेशानी होती है अवश्य, इतनी ज्यादा लंबी अगर लीव हो जाती है तो, बट ऐसा होता रहता है, इस कारण से परेशान होने की बात नहीं है। अब हम वापस आ गए हैं, अब हमेशा आपकी क्लास लेंगे। अब कैसी इतनी क्लास, लंबी क्लास मिक्स नहीं करने वाले, ठीक है ना। हाँ, तो चलते हैं हम। देखो बेटा, जो अंतिम क्लास थी मेरी, वो थी जो एक मंडे गया था, जो मंडे गया था ना, सेकेंड डेट का, 2 नवंबर को मेरी क्लास हुई थी। और उसके बाद में आज 9 नवंबर हो गया है, 10 नवंबर हो गया और ट्यूजडे हो गया है, आज आपको क्लास मिली है। उसके लिए आपसे सॉरी चाहता हूं। आपको पता बेटा, देखो नोटबुक ओपन करके देखो, हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। हमने पढ़ा था चैप्टर पढ़े थे ना 4th नंबर का, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, चैप्टर 4 पढ़े थे, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे, पौधों की दुनिया पढ़ रहे थे। उसमें देखो हमने स्पेलिंग लिख ली थी उस चैप्टर की सारी। स्पेलिंग के बाद में मैंने बहुत सारा पढ़ा भी दिया था पेज नंबर 25 पर। कितने पेज नंबर? 25 पेज नंबर पर जो लेट्स आंसर है, वो लेट्स आंसर मैंने आपको करवा दिए थे, बिल्कुल करवा दिए थे। और लेट्स आंसर के बाद में क्रीपर्स है, वो भी मैंने करवा दिया था। यानी हमने कितनी चीजें पढ़ी है, हमने बेटा 5 चीजें पढ़ी है इस चैप्टर में। पेड़ों के बारे में पढ़ा ट्रीज, फिर हमने हर्ब्स पढ़ा, जड़ी बूटियां पढ़ा, फिर सर्वस पढ़ा यानी कि झाड़ियों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में क्लाइंबर्स पढ़ा था, क्लाइंबर्स होता है वो ऊपर चढ़ाई करने वाले, क्लाइंबर्स के बाद में क्रीपर्स पढ़ा था, लताएं या बेले। एंड देन फिर हमने क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिया था, लेट्स आंसर दिया था, 2 क्वेश्चन करने थे, एक तो फैन शेप्ड प्लांट का नाम लिखना था और दूसरा किस प्रकार के पौधे सीधे खड़े रह सकते हैं, सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ये आंसर दिया था। अब आज देखा बेटा, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लिखा हुआ है, पेज नंबर कितने 25, क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, PRTS, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी पौधे के भागों के नाम, नाम कह देता हूं पौधे के भाग। देखो बेटा, जिस प्रकार हमारा वो शरीर होता है, हमारी बॉडी में देखो आईज होती है, आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, कितने सारे हैं, आईज, ईयर, हैंड, लेग्स वगैरह, बहुत सारे हमारे शरीर के पार्ट है। उसी प्रकार बेटा एक पेड़ होता है ना, पौधा, उस पौधे के भी वैसे के वैसे होते हैं। मैं पौधा बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है ना, मैं पौधा बनाकर आपको बताता हूं। देखो ये क्या होता है, ये बेटा जमीन होती है जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर पौधे होते हैं, ये जमीन हो गई। पौधा कैसे लगता है, तो ये तो बेटा पौधे का जमीन के अंदर भाग होता है, पौधे का बिल्कुल होता है। अगर पौधे का जमीन के अंदर भाग नहीं होता तो पौधा बेटा खड़ा थोड़ी रह सकता है। हम पैरों पर खड़े रहते हैं, तो पौधे के पैर क्यों, कौन है ये बेटा, ये पौधे के पैर है जो उसको खड़ा करता है। उसके बाद में ये पौधे के पैर हो गए जो जमीन के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते जमीन, हमारे पैर जमीन के ऊपर रहते हैं, ये अंदर रहते हैं। फिर देखो पौधे में क्या होता है, एक ऐसी शाखा होती है, ये थोड़ी कैसे क्या होती है, ये बेटा ऐसे मोटी होती है थोड़ी, ठीक है ना, ऐसा ही होता पौधा। फिर पौधे में क्या होती है, ये पौधा गया यहां पर आया यहां, और ऐसे ये पौधे में क्या होती है, लीफ लगी हुई रहती है। हाँ, ये क्या हो गई, ये पौधे में बेटा लीफ हो गई, पत्ती बोलते हैं जिसको हम,
ये पौधे में पत्ती हो गई, उसी प्रकार से इधर भी होगी ऐसे, फिर यहां पास में एक छोटी सी पत्ती और, फिर इधर देखोगे तो इधर भी और ऐसे, हाँ इधर भी क्या रहती है पौधे में पत्तियां रहती है, फिर जब आगे जाओगे आगे फिर और इधर ऐसे, फिर इधर और ऐसे, हाँ ऐसे क्या रहती है पौधों में लीफ वगैरह रहती है बहुत सारी, हाँ ऐसे ऐसे बहुत सारी लीफ रहती है, हाँ ऐसे रहती है ना पौधे में लीफ, हाँ फिर इधर जाओगे तो इधर और वैसे ही, हाँ हाँ फिर इधर जाओगे तो इधर फिर ऐसे ही, इधर जाओगे फिर इधर ऐसे ही, हाँ ये सबसे बड़ा वाला सिरा इसके ऊपर भी ऐसे ही, हाँ होता नहीं होता ऐसा, हाँ बिल्कुल होता है। उसके बाद में जैसे ये है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अच्छे अच्छे फ्लावर होंगे, ये जो लीफ हो गई यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लावर्स होते हैं, कुछ पौधों में फल भी लगे हुए होते हैं ऐसे, हाँ ऐसे फल लगे हुए होते हैं, नहीं होते बिल्कुल होते हैं। तो बेटा ये क्या है, ये एक प्लांट है, ये क्या है, ये एक पौधा बनाया मैंने। अब पौधे में देखो ये जो बेटा जमीन के नीचे होता है पौधे में, इसको कहते हैं ROOT, रूट स्पेलिंग हिंदी में कहते हैं, स्पेलिंग मैंने लिखवाई है जड़। पौधे का ये भाग होता है इंग्लिश में कहते हैं STEM, स्टेम तना, हिंदी में क्या कहते हैं तना। फिर देखो ये क्या होती है BRANCH, ये क्या है ब्रांच है, ब्रांच होता है शाखा है, क्या है पौधे की शाखा ब्रांच है। उसके बाद में ये, अब ये क्या है LEAF है, लीफ यानी ये पत्ती है, ये क्या है ये पौधे में लीफ है पत्ती। अब और देखो और क्या बचा, और मैंने यहां बनाया था ये फ्लावर, पौधे के फूल लगते हैं ना, तो ये बेटा पौधे में फ्लावर, ये पौधे में फ्लावर हो गया, ये मैंने क्या बनाया फ्रूट बनाया, तो ये पौधे में होता फ्रूट। इतने बेटा सारे भाग होते हैं प्लांट के, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना हमारे शरीर में, तो वैसे ज्यादा होते हैं, बट ये बेटा किसके पार्ट्स होते हैं, तो प्लांट के पार्ट्स होते हैं। हमने को क्या पढ़ना था, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट पढ़ना था, पौधों के भागों के बारे में पढ़ना था, और ये इतने सारे भाग होते हैं पौधों के, जो ग्राउंड बिलो होता है, ग्राउंड के बिलो होता है, जमीन के अंदर होता है, उसको रूट कहते हैं, फिर उसके ऊपर ये जो निकलता है मोटा होता है ये थोड़ा स्टेम कहते हैं, ये उसकी लीफ वगैरह होती है, उस पर फ्रूट लगते हैं, ये फ्लावर होता है, ये ब्रांच होता है। बेटा होमवर्क में यही करना है आपको, होमवर्क में यही करना, नाम लिखना पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ये डायग्राम बनाना प्लांट का, ये पौधे का चित्र बनाना है होमवर्क में, जैसा मैंने बनाया ना बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, ऐसा का ऐसा क्या करना है आपको आपकी नोटबुक में बनाना है, आपका होमवर्क यही होगा दूसरा नहीं होगा, आपका होमवर्क क्या होगा तो यही होमवर्क होने वाला है। फिर देखो आगे, अब हमारे बॉडी में हम क्या पढ़ते हैं, जब हमारी बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे बॉडी के पार्ट्स के नाम देखते हैं कि आई होता है ईयर नोज वगैरह टंग वगैरह, इसके बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं उसका फंक्शन पढ़ते हैं, उसका काम पढ़ते हैं कि उसके कार्य क्या होते हैं, उसके फंक्शन पढ़ते हैं, जैसे आईज होती है बेटा वो सी यानी देखने का काम करती है, ईयर होते हैं सॉरी ईयर होते हैं वो सुनने का काम करते हैं, हाँ उसके अलावा और देखो कि लेग्स होते हैं चलने का, हैंड होता है किसी चीज को पकड़ने का हो गया उठाने का हो गया, उसी प्रकार इसमें भी पढ़ना है इसका काम क्या होता है, पौधे में जड़ों का काम क्या होता है, क्यों होती पौधे में जड़े, स्टेम का क्या काम होता है, लीफ का क्या काम होता है, हम इस सब का फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं।
जिस प्रकार हमारे बॉडी में हम हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की बात करते हैं, कार्यों की बात करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हमारे को पढ़ना है, इसमें भी हमारे को इसका फंक्शन पढ़ना है कि ये काम क्या करता पौधे में, ये क्या करता, ये क्या करता, वो क्या करता, ये क्या। बुक में लिखा हुआ है 25 पेज नंबर पर देखो, ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, यानी एक पौधे के कई भाग होते हैं, एक पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे कि जड़ें, तना, लीव्स, पत्तियां, फ्लावर्स यानी फूल, फ्रूट्स यानी फल एंड सीड। अब बेटा सीड तो फल के अंदर होता है, बीज कहाँ होता है पौधे में, बीज, बीज सैदा थोड़ी दिखता है, फल खाते हुआ फल के अंदर बीज होता है। एंड सीड्स, ईच पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, देखो इतने भाग होते हैं, एक पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे कि जड़ें हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया, फ्लावर्स यानी फूल हो गया, फ्रूट्स यानी फल हो गया, और सीड्स यानी बीज हो गया। ईच पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, प्रत्येक भाग अलग अलग कार्यों को करता है, सबका बेटा काम अलग अलग होता है। मैंने कहा था वैसा देखो बुक में भी लिखा हुआ है, इसका काम अलग, इसका काम अलग, इसका काम अलग, इसका अलग, इसका सबका अलग अलग काम होता है, सबका काम अलग अलग होता है। फिर देखो आगे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इसका काम पढ़ेंगे क्या होता है, इसका काम क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, एंड देन इसका काम क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, इन तीनों का काम क्या होता है, ये काम भी हमारे को, ये फंक्शन भी हमारे को पढ़ना है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़े फंक्शन इसके बता देता हूं, होमवर्क मैंने आपको दे दिया आज की क्लास का कि ये डायग्राम बनाना सुंदर सा बुक में। अब देखो कल जो हम पढ़ेंगे ना इसके फंक्शन के बारे में, इसका काम क्या, इसका काम क्या, उसके काम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो बेटा देखो ये जड़ होती है, आप पौधे में पानी डाल दो, पौधे में पानी कहाँ डालते हो, उसके ऊपर डालते हो या यहां पर पानी डालते हो, जमीन पर, जमीन पर डालते हो बेटा, ऊपर थोड़ी डालते हैं पानी, पौधे के ऊपर थोड़ी डालते हैं, जमीन पर डालते हैं, ऊपर डालते तो पानी पौधे के कोई काम नहीं करेगा, इधर डालोगे तो वो पानी जमीन में जाएगा, पानी सोखेगा नहीं सोखेगा, बिल्कुल सोख जाएगा पानी, तो पानी जड़ों के पास जाएगा, पानी कहाँ जाएगा, ये जो रूट्स होती है इन रूट्स के पास में पानी जाएगा, और इस रूट के से ही, रूट में बेटा ट्यूब्स होती है, यानी जड़ों में नलिकाएं होती हैं, ट्यूब होती है, उसके अंदर से पानी, अंदर पानी घुसेगा और इस जड़ों में, और ये पानी घुस करके ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, तो ये वाला भाग स्टेम, इसके अंदर भी बेटा नलिकाएं होती है, जिस प्रकार हमारे शरीर में खून बहता है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे शरीर में नलिकाएं होती है, उसमें खून बहता है, उसी प्रकार इसमें भी बहता है, तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये सबको सप्लाई हो जाएगा। ये सारे फंक्शन पढ़ेंगे हम, किसका काम क्या होता है, किसका काम क्या नहीं होता है, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ, होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।